मैं शुरू करता हूँ कि कैसे हमें किसी भी अकाउंट का अगर नाम पता करना हो तो कैसे पता कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स ठीक करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए और उस एप्लीकेशन में एक अकाउंट होना चाहिए। एप्लीकेशन किस चीज़ का? कोटक महिंद्रा बैंक का, कोटक बैंक का। इस बैंक में आपका अकाउंट भी होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यही बैंक ऐसा सर्विस देती है ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपने, जो कि बैंक अकाउंट होल्डर के नाम को शो कर देती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस एप्लीकेशन का जो आप लोग सोच रहे होंगे कि अब अकाउंट खोलना पड़ेगा, इतना जानने के लिए बैंक जाना पड़ेगा, लफड़ा कुछ पैसे जमा करना पड़ेंगे, ये सब बहुत काम है, लेकिन बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, सब कुछ झंझट नहीं है, कुछ चोचलाबाजी नहीं है, एकदम सिंपल है। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद कोटक बैंक की एक अकाउंट होती है 811 अकाउंट, जो कि 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में अकाउंट खुल जाती है और बड़ी इजी तरीके से खुल जाती है। आधार कार्ड पैन कार्ड लगता है, वो जरूरी है देना और सबके पास कॉमन तरीके से होती भी है आज की डेट में। और ये जीरो बैलेंस अकाउंट है जो कि आप खुद अपने हाथ से खोल सकते हैं, जरूरत नहीं है इसका। यहाँ तक कि इंटरनेट बैंकिंग भी मिलेगा आपको, ए टू जेड सारी सर्विस, एटीएम कार्ड मिलेगा ऑनलाइन, और जिस एटीएम कार्ड को आप चाहे तो मंगा भी सकते हैं, 130 रुपये कुछ चार्ज रहता है। छोड़िए आप मत मंगाइए, आपको तो अपना सिर्फ इसे नाम जानना है, आपको यूज़ तो करना नहीं है, करना है तो ज़्यादा डिटेल में इसके लिए मैं कैसे अकाउंट खोले इसका एक वीडियो बाद में बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। अगर बोलेंगे कमेंट आया बहुत सारा कि वीडियो बना देने के लिए कोटक बैंक के अकाउंट को खोलने के लिए, तो मैं बना दूंगा। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन को सिंपली ओपन कर ले, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, खाता तो खोल लेना है। मैं सब कर चुका हूँ, रेडी कर चुका हूँ, इसीलिए सीधा मेरे लिए ये अकाउंट चालू है। यहाँ पर मैं बैंकिंग पर क्लिक करूँगा। बैंकिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ ट्रांसफ़र मनी का सिम्बॉल दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। ट्रांसफ़र मनी पर हमें क्लिक करना है। ट्रांसफ़र मनी पर क्लिक करने के बाद यहाँ एक पिन डालना है, उस पिन को डालेंगे तो इसके आगे वाले स्टेप पर पहुँच जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स खुल गया पेज यहाँ पे, और यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र के लिए कुछ कुछ सिलेक्शन चूज करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र टाइप चूज पूछ रहा है कुछ यहाँ पे, तो ट्रांसफ़र टाइप में मुझे IMPS करना है। IMPS NEFT, NEFT 10-15 मिनट लेट में पहुँचता है, IMPS करें, 1 रुपये भेजना है तुरंत, कोई सर्विस चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं, 1 रुपये देंगे तो 1 ही रुपये कटेगा। यहाँ पे उस अकाउंट होल्डर का नाम डालें जिस अकाउंट होल्डर को हमें पैसे भेजना है, जिस अकाउंट होल्डर का नाम हमें पता करना है। तो सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पे उसका अकाउंट नेम टाइप करना है। यहाँ पे मैं अभी अकाउंट नंबर एक डालने जा रहा हूँ, उस अकाउंट नंबर का मुझे नाम पता करना है। यहाँ उसी अकाउंट नंबर को दोबारा डालना है। यहाँ पे बेनिफिशियरी अकाउंट टाइप सेविंग है, करंट है, ओवरड्राफ्ट है, सेविंग ही रहता है ज़्यादातर। यहाँ पे बैंक का FSC कोड है तो डाल दे, FSC कोड नहीं हो तो सिंपली कोई भी बैंक को चूज़ कर ले, जैसे ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। इतना बताने के बाद हमें 1 रुपये इस अकाउंट में भेज के देखने, रिमार्क्स ऑप्शनल है, डालना हो तो डाल सकते हैं। पे नाउ पे क्लिक हो गया फ्रेंड्स, तो जो राइट बटन पे क्लिक किया आगे बढ़ गया स्टेप। यहाँ पे कुछ वेरीफाई करने के लिए बोल रहे हैं, अकाउंट नंबर सही सही डाले कि नहीं, एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ मैं भी। एकदम सही है, वेरीफाई कर लिया मैंने। अब इसका मुझे नाम पता करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो मैं कंफर्म करूँगा उस अकाउंट में 1 रुपये चले जाएगा, यहाँ से 1 रुपये कट जाएगा, और उसके बाद इसका एक ईमेल आता है, ठीक है। ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी को आप रजिस्टर किए रहेंगे अपने इस अकाउंट पे, उसी ईमेल आईडी पे एक ईमेल जाता है नाम आपके साथ में, ठीक है फ्रेंड। कुछ देर बाद मेरे को ईमेल भी आ जाएगा, उस ईमेल को मैं आपको दिखा देता हूँ तुरंत अभी सामने सामने। ये मैं अपना जीमेल अकाउंट खोलने जा रहा हूँ, जीमेल अकाउंट पर क्लिक किया मैंने। यहाँ पर थोड़ी देर बाद कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से एक ईमेल आ जाएगा, तुरंत ही आ जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स दिख रहा है, प्लीज फाइंड द डिटेल्स एज बिलो बेनिफिशियरी हरेंद्र कुमार भारती, पूरा पूरा नाम नहीं मगर हरेंद्र कुमार भी दिखा रहा है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा नाम है हरेंद्र कुमार भारती, और पिताजी का अकाउंट है वहाँ तक, यहाँ तक दिखा रहा है हरेंद्र कुमार, ठीक है फ्रेंड्स। इससे पता चल जाएगा अकाउंट नंबर के लास्ट के डिजिट्स को भी वो शो कर रहा है, जैसे 1015 था
और यहाँ तक कि उसका बेनिफिशियरी का आईएफएससी कोड ये गलत हो सकता है फ्रेंड, ठीक है। बाकी बैंक सही होना चाहिए, आईएफएससी कोड वो नहीं करता, मतलब नहीं है। आपका बैंक सही होगा तो अकाउंट में पैसा एकदम सही जाएगा। आप कभी भी चिंता ना करें कि SBI अगर हमारे पास आईएफएससी कोड नहीं है तो दूसरे अकाउंट में चला जाएगा। फ्रेंड्स ये मैं बहुत बार कर चुका हूँ, मनी ट्रांसफर का मेरा बिजनेस है, मैं यूज़ करता हूँ, किसी भी बैंक का डाल दीजिए पैसा पहुँच ही जाता है। IMPS के थ्रू भेजा था, ये देखिए रिमार्क्स में दिख रहा है फ्रेंड्स, MBI नॉलेज यही वाला था। इसका ईमेल मुझे सामने से नहीं दिखा, पता नहीं क्यों नहीं दिखा, लेकिन दिखता है शायद डिसेबल हो गया होगा, और तुरंत मेल आ जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे सारे डिटेल पता चल जाते हैं। तो इसके बाद कुछ नहीं करना है, आपका वेरीफाई हो गया अकाउंट, वेरीफाई करने के बाद उसके अकाउंट में जितने भी मनी ट्रांसफर आपको कर रहे हैं कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक है फ्रेंड्स, मुझे पता है कि सबको पसंद आई होगी, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसी कोई वीडियो है भी नहीं जिसने बताया हो, मैंने सर्च मार के देखा था। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर जो ये वीडियो अगर मेरी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर भी कर दे, इस चीज़ को तो शेयर करना ही चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू वेरी मच।